हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शो छोड़ने पर मबीता जी ने तोड़ी चुप्पी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने पर मुनमुन दत्ता ने कह दी ये इतनी बड़ी बात। अब फाइनली कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जी हां, बीते दिनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से कई सारे कलाकारों ने अलविदा कहा है, और ऐसे में अभी कौन सा नाम जुट गया है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, जहाँ बीते दिनों शैलेश लोढ़ा ने भी अलविदा कह दिया। हाल ही में ये खबर सामने आ रही थी, शैलेश लोढ़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जाता है शैलेश लोढ़ा ने बिना किसी का नाम लिए असित कुमार मोदी पर एक बार फिर से तज कसा है, और इसी बात से वो मुनमुन दत्ता को भी लेकर खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मुनमुन दत्ता भी शैलेश लोढ़ा के बाद शो को छोड़ रही हैं, शो को अलविदा कह रही हैं। ये तो सभी जानते हैं कि एक बार फिर से रियलिटी शो बिग बॉस शुरू हो चुका है। बिग बॉस में OTT के सीजन में सैकड़ों के कयास लगाए हुए रहे हैं। आप सभी जानते होंगे बिग बॉस OTT के सीजन में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस आते हैं। एक महीने कुछ दिन मुनमुन दत्ता भी शो का हिस्सा बनी हुई थी। अब फाइनली कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि बीते दिनों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को कई सारे कलाकारों ने अलविदा कह दिया। शो को अब तो बहुत सारे नाम भी जुड़ चुके हैं, जिसमें से मुनमुन दत्ता यानी कि आपकी बबीता जी भी अब इस शो को अलविदा कह चुकी हैं, और वो बिग बॉस में एंट्री ले रही हैं। सलमान खान बहुत बड़ी फैन है वो। बीते दिन उन्होंने कई इंटरव्यूज भी सामने आए हैं, जहां कहा है कि म्यूजिकली एल्बम में मैं काम करना चाहती हूं, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूं, आने वाले वक्त में रियलिटी शो का हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी। जिस पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि असित मोदी मुनमुन दत्ता को भी शो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और वो भी पर शो से निकल रही हैं। अब देखना ये होगा क्या मुनमुन दत्ता की जगह भी कोई आती है या फिर शो का हिस्सा वो बनी रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप भी चैनल पर नए जुड़े तो प्लीज़ जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।